आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में 12वें वार्षिक क्रीड़ा समारोह का उद्घाटन हुआ। शुक्रवार को डुमरी रामनगर स्थित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में 2 दिवसीय 12वें वार्षिक क्रीड़ा समारोह का शुभारंभ धूमधाम से हुआ। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि प्रोफेसर संतोष कुमार, संकाय अध्यक्ष शिक्षा शास्त्र महात्मा गांधी, काशी विद्यापीठ अध्यक्ष प्रोफेसर कल्पलता पांडे, पूर्व कुलपति जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया, बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डुमरी के निदेशक मुकुल पांडे तथा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ विजय शंकर मिश्र ने मां सरस्वती के प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर क्रीड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा कुलगीत एवं सरस्वती वंदना प्रस्तुत किया गया। उपस्थित अतिथियों का स्वागत महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ विजय शंकर मिश्र ने किया। अध्यक्ष ने मुख्य अतिथि को अंगवस्त्र, बुके तथा पौधा देकर उनका सम्मान किया। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज के समय में छात्राएं हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, खेलकूद में भी छात्राएं देश का नाम रोशन कर रही हैं। उन्होंने महाविद्यालय की छात्राओं को खेलकूद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया तथा महाविद्यालय का नाम रोशन करने के लिए कहा। अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में छात्राओं का मनोबल बढ़ाया तथा मुख्य अतिथि को धन्यवाद दिया। इसके पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा मशाल प्रज्वलन कर तथा ध्वजारोहण कर 2 दिवसीय क्रीड़ा समारोह के विधिवत उद्घाटन की घोषणा की गई। उन्होंने उपस्थित सभी छात्राओं को शपथ ग्रहण भी करवाया। मुख्य अतिथि ने फीता काटकर बैडमिंटन का शुभारंभ किया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि तथा बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल प्रहलाद घाट की प्रधानाचार्य स्नेहलता पांडे ने बैडमिंटन का उद्घाटन मैच खेलकर किया। क्रीड़ा समारोह कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका अनीता पांडे ने किया। कार्यक्रम में बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डुमरी की प्रधानाचार्य अनीता त्रिपाठी, सोनिया मिश्रा, डॉ रजनी श्रीवास्तव, डॉ अरुण दुबे, डॉ सुनीति गुप्ता आदि शिक्षक शिक्षिकाएं तथा छात्राएं मौजूद रहीं। में भाग लेंगे और खेल की महिमा और अपने देश की सम्मान के लिए उन नियमों का पालन करेंगे। पकड़ी तो पकड़ेंगे कैसे? बैडमिंटन का जो चल रहा है, दोनों बच्चियाँ अपना छात्र प्रदर्शन कर रही हैं। एक बार मैं उससे कह देता हूँ कि अच्छा सेंटर के महोदय के साथ हमारे मुख्य अतिथि के साथ बहुत ही सुंदर था, बहुत धन्यवाद। समाज को कुछ देने की प्रवृत्ति हमेशा आपके मन में रहे, ऐसे नागरिक बने जिससे समाज आप पर गर्व कर सके। आज कुछ खेल यहाँ पर है, मैंने शॉर्ट पुट, डिस्कस, मैं जब पढ़ती थी उस समय मैंने इंटरमीडिएट में भी बैडमिंटन में भी खेल किया था, क्योंकि हम लोग स्काउट एंड गाइड में थे तो बहुत जगह जाना पड़ता था। तारा देवी में गए थे, तारा देवी टेम्पल में, तो वहाँ पे तारा देवी में भी बहुत अच्छा प्रोग्राम होता था। शिमला में 15 दिन का हम लोग का कैंप था, तो इन सब कैंप्स में भाग लेते हैं, शॉर्ट पुट, जेवलिन, जो भी जितने भी खेल थे सब में मैंने पार्टिसिपेट किया था। आना या ना आना अलग बात थी, लेकिन पार्टिसिपेट जरूर किया था। तो मैं ये आपसे कहती हूँ कि अच्छी बात यह है, रनिंग इन द रेस रहना चाहिए, विनिंग द रेस उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना रनिंग इन द रेस है, क्योंकि जब विन कर लेते हैं तो फिर आगे कुछ नहीं बचता आपके लिए, और रनिंग इन द रेस होगा तो जीवन भर आपके लिए एक मौका मिलेगा प्रयास करने का, हमेशा आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा। मैं आज के कार्यक्रम को थोड़ा विलम्ब हो गया था, मैं अपनी बात को इन शब्दों के साथ